अस्सलामुअलैकुम आरएनए न्यूज़ के साथ मैं हूँ फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर ईद उल अज़हा के करीब आते ही सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक दुकानदार सरकारी नर्ख के बजाय मनमानी कीमतों में सब्जियां और दीगर मसाले फरोख कर रहे हैं। खाम तेल की आलमी कीमतों में इजाफे की वजह से जनवरी 2022 से मुत्तहिदा अरब इमारात में पेट्रोल की कीमतों में 74% से ज़्यादा इजाफा हुआ है। फरवरी में शुरू होने वाली रूस यूक्रेन जंग के बाद से आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया भर में महंगाई की लहर एक बड़ा मसला बन गई है। अदाकार और मेज़बान फैसल कुरैशी ने हुकूमत को मुल्क में हमेशा के लिए लोड शेडिंग के खात्मे का तरीका बता दिया। फैसल कुरैशी ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त की जानिब से बताई गई तजवीज़ के बारे में बताया। अदाकार ने कहा कि तजवीज़ ये है कि अगर हर घर को 5 से 10 किलो वॉट का सोलर सिस्टम किस्तों पर लगवा दिया जाए और उसका दौरानिया 5 साल में मुकम्मल हो तो हर घर में सोलर सिस्टम लग जाएगा और मुल्क में लोड शेडिंग जैसे मसले का खात्मा हो जाए। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोधा, इस्लामाबाद से बयक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तियाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। सिंगापुर में रवां साल अब तक 18,000 के करीब डेंगू केस रिपोर्ट हुए हैं, जो पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिंगापुर को इस वक्त डेंगू की संगीन सूरत हाल का सामना है, जिससे बचाव और मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं और मुख्तलिफ अहकाम किए जा रहे हैं। दुनिया की मकबूल तरीन एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सार्फिन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर ऐप में तब्दीली कर दी है। व्हाट्सएप आए दिन नए फीचर्स मुतारिफ कराती है और अब इस बार एप्लीकेशन ने अपने डिलीट फ्रॉम एवरीवन के फीचर में बड़ी तब्दीली कर दी है। ऐप की सरगर्मियों पर नजर रखने वाली वेबसाइट व्हाट्सएप बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक अब चैट में भेजे गए पैगाम को डिलीट करने का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आरएनए न्यूज़।